भाई 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 भारी मिस्टेक हो गया भाई, मोनिका और माय डार्लिंग को अंडर एस्टिमेट करके भारी मिस्टेक हो गया। हमने सोचा नहीं था कि ये एक खास, उत्तम, श्रेष्ठ, मतलब एक बढ़िया फिल्म है जिसे कि मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो देखने मिला है ना भाई, वो आजकल बॉलीवुड के फिल्मों में कहां देखने मिल रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेस वगैरह की। बाकी स्टोरी तो कड़क है ही, लेकिन फिर भी हम इसे कम समझ कर मिस कर दिए थे, जो कि हमारा गलती था। पर कोई बात नहीं, अब हम इसे देख चुके हैं और इसके अंदर के बहुत से बातों को नोटिस भी कर चुके हैं, जैसे कि बहुत से फिल्में भाई शायद मिस कर दिए होंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवीज की रेफरेंस, लेकिन 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 उन सारे रेफरेंस को देखने से पहले आपको ये सीन देखना पड़ेगा। मोनिका का खून तमंग ने किया। तुम सही थे दादा, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, तो अब इसके अंदर आपने क्या नोटिस किया? अरे कंफ्यूज मत होना, ये बोर्ड, और इस बोर्ड के अंदर बहुत सारे फिल्म मेकर्स के नाम लिखा है, और वो नाम ऐसे ही नहीं लिखा है। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि ठीक इसके ऊपर थैंक यू फॉर पॉजिंग टू रीड द नेम्स लिखा हुआ देखने मिल जाता है, जो कि बहुत औसम है भाई। जो भी इसे पॉज करके पढ़ा होगा वो खुश हो गया होगा, है ना। हाँ, तो हम बोल रहे थे इन सारे नामों को डायरेक्टर यहाँ ऐसे ही नहीं दिखाए थे। इन्हें दिखाकर डायरेक्टर हमें ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमने इनमें से कुछ डायरेक्टर की फिल्मों का रेफरेंस इसके अंदर दिया है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और आपका ये फिल्म भाई ढूंढ लिया भाई। और ये दिखाने से पहले हम वो सारे सीन के बारे में भी बता सकते थे, पर हमें लगा पहले आपको ये दिखा देना चाहिए, नहीं तो क्या पता कुछ फिल्मी भाइयों को वो बकवास भी लगा होता, है ना। इसीलिए खैर, यहाँ पहले हमें संगीतम श्रीनिवास राव के नाम देखने मिल जाता है, जो कि एक साउथ फिल्म डायरेक्टर है, पर इनका कोई भी रेफरेंसेस के बारे में हमें पता नहीं चला। फिर दूसरा हमें श्रीराम राघवन के नाम देखने मिल जाता है, जिनका कि इस फिल्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रेफरेंस देखने मिला है। सबसे पहले बदलापुर, जिसमें कि उमा कुरैशी और राधिका आप्टे भी देखने मिले थे, उसका रेफरेंस हमें नायडू के बाहर आते टाइम दिख जाता है, बैंक ऑफ बदलापुर, देख रहे हो ना। फिर दूसरा जॉनी गदर, श्रीराम राघवन के इस फिल्म का एक डायलॉग हमें शाम वाला सीन पे देखने मिल जाता है, जिसे कि आपने शायद मिस कर दिया होगा। यू हैव गॉन ऑन अ डार्क पाथ माय सन, यू हैव गॉन ऑन अ डार्क पाथ माय सन। और तीसरा में कोई सीन नहीं है, एक नाम है, ये रहा सरिका वर्तक। इस बोर्ड के अंदर ये अकेली ऐसे नाम है जिस नाम का कि कोई फिल्म मेकर्स नहीं है, ना राइटर, ना डायरेक्टर, ना प्रोड्यूसर। ये नाम है श्रीराम राघवन के मूवी का ये कैरेक्टर का नाम, सरिका वर्तक, जो कि हमें एक हसीना थी में देखने मिला था। और ये हो गया श्रीराम राघवन के तीन रेफरेंस। और अब अगला विशाल भरद्वाज, मकबूल नाम से विशाल भरद्वाज के एक फिल्म आया था जिसके अंदर हमें ये सीन देखने मिला था। जा, पर इसका रेफरेंस हमें कहाँ देखने मिला था पता है ना मोनिका? जा मेरी। फिर अगला साई परंजपे और पंकज अडवाणी का तो हमें पता नहीं चला, पर अब्बास मस्तान के रेफरेंस पता चल गया। वो एग्रीमेंट के कॉपी को खाने वाला सीन याद है ना, वो बाजीगर का रेफरेंस था। आई नो ये एक बहुत छोटा सा रेफरेंस था, पर क्या करे, आगे है ना भाई, और भी है। फिर अगला पीटी एंडरसन, यानी पॉल थॉमस एंडरसन और अनुराग कश्यप के रेफरेंस के बारे में तो पता नहीं, पर विजय आनंद के रेफरेंस के बारे में पता चल गया। इन्हें सिर्फ विजय आनंद ही नहीं, गोल्डी आनंद भी बुलाया करते थे, और उसी का रेफरेंस के तौर पे हमारे सामने गोल्डी पिज्जा दिखाया गया था मोनिका मरने के बात जयंत नीचे आते टाइम, याद है ना। और हाँ, विजय आनंद के भाई देव आनंद का भी इसके अंदर एक रेफरेंस देखने मिला है। 1967 में ज्वेल थिप नाम का एक मूवी आया था जिसमें देव आनंद के अल्टर इगो का नाम प्रिंस अमर था, और उसी का रेफरेंस में हमें इसके अंदर प्रिंस अमर होटल देखने मिल जाता है, जहाँ की निशि, जयंत और अरविंद मोनिका को मरने का प्लान बनाते हैं। हाँ, तो अब अगला गुरुदत्त और क्वेंटिन टैरेंटिनो की रेफरेंस का तो पता नहीं, पर और भी है यार, बॉलीवुड हॉलीवुड सबकी रेफरेंस है, आप चिंता मत करो ठीक है। जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसके अंदर का हीरो हमें इसके अंदर पानी पीते रहो वाला सीन में दिख जाते हैं, और सुप्री भी तेंदुआ को ढूंढते हुए दिख जाती है। ऐसे जिन भाइयों को नहीं पता उन्हें बता दे, ये मर्द को दर्द नहीं होता को भी वासन वाला डायरेक्टर साहब ने बनाया था। फिर अगला कारवा मूवी के रेफरेंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके अंदर का पिया तू अब तो आजा सॉन्ग को इसमें रीमेक किए है, और उसी सॉन्ग का लाइन से इंस्पायर्ड होकर ही इस फिल्म का टाइटल रखे है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि कारवा मूवी के डायरेक्टर का भी इसमें रेफरेंस दिए है, नासिर हुसैन। ये नाम हमें बॉडी ठिकाने लगाने वाला वैन के आगे पीछे देखने मिल जाता है, जिसे कि जैन चलाता है। इसे मिस कर दिए थे ना। फिर अगला कुछ हॉलीवुड मूवीज और टीवी सीरीज का भी रेफरेंस, जैसे कि जॉनी सोको एंड हिज फ्लाइंग रोबोट। ये 1967 से 1968 के बीच आया था, और इसके अंदर हमें जॉनी नाम का एक कैरेक्टर देखने मिला था जो कि एक रोबोट को कंट्रोल करता है। तो उसी के रेफरेंस के तौर पर हमें इसके अंदर जैन को उसके टी शर्ट पहनते हुए देख पाते हैं, और जैन भी रोबोट के जैसे मशीन को कंट्रोल करता है। और अगर अभी भी आपको ये कम लगे तो हीरो का नाम भी इसमें
में जोनी है भाई, जोनी उर्फ जयंत, मतलब दोनों में हीरो के काम के साथ नाम भी सेम है। खैर अब अगला 1962 में एक ब्रिटिश ड्रामा सीरीज आया था फायरवॉल एक्सल 5, जिसका की रेफरेंस आप यहाँ जयंत के वाईफाई पासवर्ड पे देख सकते हो। फिर अगला अल्फ्रेड हिचकॉक के भी कुछ रेफरेंस देखने मिला है, जैसे कि गोरो फर्स्ट मर्डर करते टाइम में साइको की थीम सुनने मिल जाता है। फिर आगे बेट्स मोटल भी देखने मिल जाता है, जो कि हमें साइको में देखने मिला था। फिर अगला मोनिका को मारा गया समझने के बाद जब मोनिका वापस आती है तो हमें पीछे वॉल पर एक पेंटिंग दिखाया जाता है, जो कि अल्फ्रेड हिचकॉक की वर्टिगो मूवी का पोस्टर से बहुत मैच करता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था और स्कॉट को पोपट बनाया गया था जैसे इसमें जयंत और अरविंद का बना, इसलिए मोनिका के वापस आने पर यह रेफरेंस था। फिर अगला निक्की और जयंत के सीन पर निक्की माई कजिन विन्नी बोलती है, जो कि हॉलीवुड की माई कजिन विन्नी का ही एक रेफरेंस था, उसमें भी कोर्ट ड्रामा देखने मिला था। और यहाँ भी निकी बिन्नी की बॉयफ्रेंड को जेल वगैरह भेजने की बात कर रही थी, तो रेफरेंस चिपका दिया। बाकी आप बैक टू द फ्यूचर वाला रेफरेंस के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे नहीं, कुछ भाई सोच रहे थे कि विन्नी ही मोनिका के कातिल है, क्योंकि विन्नी वो जो खड़ी कार पे ड्राइव कर रही थी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो मोनिका को मरने के बाद ढोंग कर रही हो, पर नहीं, वो सस्ता नशा करके खड़ी गाड़ी को चला रही थी और बैक टू द फ्यूचर की रेफरेंस दे रही थी, समझ रहे हो। अब ये तो कुछ फिल्मों की रेफरेंस था, इनके अलावा इसके अंदर कुछ हिडन डिटेल्स भी था जिसे कि आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, जैसे कि इसके पोस्टर के अंदर हमें सांप सीढ़ी देखने मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो खेल दिखाया है। ये फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें आग जलता हुआ दिखाया जाता है, और ये फिल्म की एंडिंग होती है तो आग बुझता हुआ दिखाया जाता है। फिर जयंत को हमेशा लकी दिखाया है, वो हर जगह कैसे पता नहीं बच जाता है, साइकिल चोरी हो गया बच गया, चीता आ गया बच गया, ट्रेन मिस हो गया बच गया, फिर सांप का आना, गौरव का धक्का देना, नायडू के हाथों से एग्रीमेंट को बचाना, जहर वाली वाइन ना पीना, मतलब इतनी बार यार। फिर गौरव के हाथ से पहली बार, दूसरी बार, हर बार ये जयंत बचता चला गया, सोचो कितना लकी है वो। पर वो क्लाइमेक्स के सीन पर फिल्म मेकर्स ओपन एंडिंग के साथ छोड़ दिए, तो वहाँ जयंत बचा कि नहीं पता नहीं, आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। फिर अगला प्रोडक्शन डिजाइन के अंदर डिटेल्स, इसमें भी डायरेक्टर साहब पीछे नहीं है, जयंत को बाइक पसंद है, बाइकर हूँ मैं, वैन ड्राइवर नहीं हूँ मैं, इसीलिए उनके ऑफिस में भी बाइक के फोटो देखने मिल जाता है। और गौरव को सालू पसंद है, फिर मैं, मेरी सालू और हमारी दुनिया। तो आखिर में गौरव के घर में भी हमें सालू की फोटो देखने मिल जाता है। इन सबको तो आपने भी नोटिस किया होगा, है ना। पर एक बात और है जिसे कि आपने शायद मिस कर दिया होगा, और वो है तीन भालू की पेंटिंग। मतलब आपको क्या लगता है, यहाँ इसे ऐसे ही टांग दिया है? नहीं भाई, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो नोटिस किए होंगे, ये तीन भालू जैसे बैठे है ना, वैसे ही निशी, जयंत और अरविंद भी बैठे है, एक सुना रहा है और दो सुन रहे है। मतलब भालुओं की वो तस्वीर इन्हीं का मीटिंग को सूचित कर रहा था। और हाँ, यही सीन पर हमें एक मदिरा की बोतल दिखाया जाता है जिसमें बैड हैंड टाइम्स लिखा होता है, क्योंकि सच में इसके बाद उनका खराब समय स्टार्ट होता है। वो लोग निशी के बातों में आकर मोनिका को रास्ता से हटाने के लिए मान जाते हैं और एग्रीमेंट पे साइन भी कर देते हैं, जिसके बाद कि वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। भाई ये लोग तो अपने मर्जी से काम भी नहीं चुन रहे थे यार, वो भी निशी के हिसाब से हो रहा था, कौन क्या करेगा, मतलब ये दूसरों के इशारों पे नाच रहे थे कि नहीं बताओ, अपनी मर्जी से कहां क्या कर रहे थे यार, इसीलिए ये बैड हैंड टाइम्स का बोतल था। अब निशी का मर्डर की डिटेल्स, निशी जब मोनिका को मारने निकल पड़ता है तब वो एक लाल स्कूटी के साथ स्टार वाला हेलमेट पहन के निकलता है, और उसके कुछ ही देर बाद हमें वही स्कूटी और हेलमेट पे गौरव को दिखाया जाता है। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि निशी के मर्डर के पीछे गौरव का कुछ तो हाथ है, नहीं तो निशी के पास गौरव का स्कूटी कैसे जाता, और जाता भी तो निशी मरने के बाद वो स्कूटी गौरव के पास कैसे आया, कौन लाता, समझ रहे हो। ये एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्स था, है ना। बाकी आप वो काव्य की रेफरेंस और सुंदर लड़की की रेफरेंस के बारे में तो जानते ही होंगे। सुंदर हूँ मैं तो, मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं, इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ क्या करूँ। बाकी और क्या रहा, और हाँ, एक सीन पर मोनिका बोलती है, भूख लगी है ना, सलीम से खाना मंगाया, यू लाइक सलीम। यहाँ मोनिका किसका बात कर रही है पता है, अपने पापा की, मतलब हुमा कुरेशी के पापा की, उनका भी कुछ रेस्टोरेंट है और ये उसी का रेफरेंस था। खैर तो भाई ये था कुछ बातें जिसे कि हमने ये फिल्म देखते टाइम नोटिस किया था। अब भले ही भाई ये एक नोवेल से इंस्पायर्ड होकर बना हो, पर कड़क बना है भाई, डायरेक्टर का यही स्टाइल देखकर हमने इनका पिछला मूवी मर्द को दर्द नहीं होता भी देखने चले गए। और माना कि उसका स्टोरी भी ओके ओके है, पर एक्शन भाई साहब, अगर आपने अभी तक उसे नहीं है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मैं तो बसन वाला साहब जी के फैन हो गया भाई, बस बस रहने देते हैं भाई। कहते भाई बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।